यूक्रेन की फौज के पास एक ऐसा हथियार आ गया है जो जमीन से लेकर आसमान तक रूस की फौज की नाक में दम कर सकता है। ये एक तरह की बख्तरबंद गाड़ी है जो सेना के लिए चलते फिरते हाईटेक बंकर से कम नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी गाड़ी है जो किसी भी मौसम और जंग के किसी भी मैदान में कारगर है। सड़क पर चलना हो, मैदानों में या पहाड़ों पर, ओंकिला मुश्किल से मुश्किल हालात में बेजोड़ है। पोलैंड में बनी ये गाड़ी आधुनिक तकनीक और आधुनिक हथियारों से लैस है, इसीलिए इसे पेट्रोलिंग और जंग दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। खासतौर पर इसमें एक एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम है, ऐसा मिसाइल सिस्टम जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी दुश्मन को ढूंढने और उसे निशाना बनाने में बेजोड़ है। इसके अलावा ऊपर लगी एक मशीन गन इसे और भी खतरनाक बनाती है। ओंकिला के अंदर थर्मल इमेजिंग और नाइट विजन के अलावा हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे हैं। इनकी मदद से इसके अंदर बैठे सैनिकों को दुश्मन की हर हलचल की खबर मिलती है। पोलैंड से मिली ये बख्तरबंद गाड़ियां यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। उधर क्रिप्टो करेंसी को रूस में जल्द ही लीगल किया जा सकता है, ये खबर खुद रूस की सरकार के एक सीनियर मंत्री ने दी। माना जा रहा है कि रूस के बैंकों पर बैन के बीच क्रिप्टो को लीगल करना पुतिन का बड़ा कदम साबित हो सकता है, जिसकी वजह से वो बिना कुछ किए ही अमेरिका को बड़ा झटका दे सकते हैं। रूस पर सख्त बैन लगाने का असर पहले से अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर हो चुका है। अब अगर रूस ने बिटकॉइन को मान्यता दे दी तो अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। बताया जा रहा है कि बिटकॉइन को लीगल करने की तैयारी रूस में फरवरी में शुरू हुई थी, जिस पर तेजी से काम चल रहा है। साफ है कि जब यूक्रेन पर चढ़ाई की तैयारी शुरू हुई उसी वक्त पश्चिम को जवाब देने की तैयारी भी कर ली गई थी। रूस के बैंकों पर लगे सख्त बैन के खिलाफ बिटकॉइन एक बड़ा दांव साबित हो सकता है। इससे पहले पुतिन ने तेल और गैस के बदले यूरोप के देशों से रूबल में पेमेंट करने की शर्त रखी थी। अपने उस दांव से पुतिन ने रूबल की नैया तो पार लगा दी, लेकिन इस बार का दांव डॉलर की नैया डुबोने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि अब तक पुतिन ने पूरी दुनिया को यह समझाने की कोशिश की थी कि डॉलर के बिना भी अर्थव्यवस्था चलाई जा सकती है, अंतर्राष्ट्रीय कारोबार किया जा सकता है, लेकिन बिटकॉइन को मान्यता देना दुनिया को डॉलर का विकल्प बताने की कोशिश हो सकता है, जिसके लिए किसी एक देश को फायदा नहीं होगा। अब तक दुनिया भर में दावा किया जाता रहा है कि डॉलर में अंतर्राष्ट्रीय कारोबार होने की वजह से अमेरिका को बड़ा फायदा होता है, लेकिन अगर दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय कारोबार डॉलर की बजाय क्रिप्टो करेंसी में होने लगा तो नुकसान सिर्फ डॉलर का ही होगा। मुसीबत यह है कि पिछले कुछ सालों में क्रिप्टो करेंसी में लोगों का भरोसा कुछ बढ़ा जरूर है, लेकिन बड़े देशों ने अब तक इससे हाथ दूर ही रखे हैं। रूस जैसे बड़े देश में अगर क्रिप्टो करेंसी को मान्यता मिल गई तो दुनिया का वो डर भी खुल जाएगा। वैसे भी रूबल में पैसे देने के लिए पुतिन केवल उन्हीं देशों को मजबूर कर सकते हैं जो उनसे तेल और गैस खरीदते हों, लेकिन कारोबार के लिए उन्हें डॉलर के विकल्प की सख्त जरूरत थी, क्योंकि केवल तेल और गैस के बूते रूस की अर्थव्यवस्था चलना मुश्किल है। और शायद रूस को इस बात का अंदाजा भी पहले से था। खबर है कि जनवरी के महीने में ही रूस में यह प्रस्ताव लाया गया था कि क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दे दी जाए, लेकिन उस वक्त रूस के सेंट्रल बैंक को डर था कि इससे उनका मौजूदा सिस्टम चरमरा सकता है, इसलिए सेंट्रल बैंक ने क्रिप्टो पर पूरी तरह बैन लगाने की सिफारिश कर दी थी। जबकि उस वक्त भी रूस का वित्त मंत्रालय यह चाहता था कि क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दी जाए। जब दोनों बड़ी संस्थाएं आपस में टकराईं तो मामला उस वक्त वहीं रुक गया और चर्चा बंद हो गई। लेकिन फरवरी में जब दुनिया की नजरें यूक्रेन की सीमा पर बढ़ रहे तनाव पर थीं, उस वक्त एक अहम बैठक हुई। खबर है कि उस वक्त पुतिन ने रूस के सेंट्रल बैंक के अधिकारियों और वित्त मंत्रालय से जुड़े लोगों को इस पर कुछ अहम निर्देश दिए और ये कहा कि आपस के मतभेद दूर किए जाएं और जल्द से जल्द क्रिप्टो को लीगल करने की तैयारी की जाए। माना जा रहा है कि तभी से क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए योजना बनाई जा रही है जो अब लगभग तैयार है।